नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ। आप सब लोगों ने आजकल टीवी देखा होगा, उत्तर भारत में भयंकर बाढ़ का प्रकोप हो रहा है, सब जगह पानी पानी। तो इसके हटने के बाद जो कूड़ा करकट कीचड़ जो जमा होगा, उससे भी बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होंगी। पानी से फैलने वाली बीमारियां जो हैं वो काफी प्रचलित होती हैं, अगर सफाई न रखी जाए तो। पानी से फैलने वाली बीमारियों को उनके कीटाणु के हिसाब से जाना जा सकता है। जैसे बैक्टीरिया, आप सब लोग जानते हैं कि यदि हमारे खाने में किसी भी तरह से टाइफाइड का बैक्टीरिया पहुंच जाए तो हमको टाइफाइड हो जाएगा। या और बीमारियां जो है जैसे डायरिया, डिसेंट्री, ये पानी के द्वारा फैले हुए वायरसेस से होती हैं, बच्चों के अंदर सामान्य है, कुछ का इलाज करना पड़ता है वरना ये अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। लिवर में यदि ये वायरस पहुंच जाए तो फिर हेपेटाइटिस बी से लेके हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, जिनमें से कुछ बीमारियां हेपेटाइटिस बी जैसे जो है वो उनको ठीक करना भी लगभग असंभव है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती, सिर्फ बचाया जा सकता अपने आप को। तो इस तरह से बहुत सी बीमारियां वायरस की वजह से भी फैलती हैं। स्किन की बीमारियां जो हैं, चमड़ी की बीमारियां भी पानी से फैल सकती हैं, जो कि जैसे स्केबीज है, उसमें एक खुजली बहुत होती है, या दाने पड़ सकते हैं, या जो है हमारी खाल गल के गिर जाती है अगर जो है स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन हो जाए तो। इसके अतिरिक्त कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में पानी से पहुंचते हैं या खाने से पहुंचते हैं, जैसे कि अमीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, उससे हमको साधारण कॉमन बीमारी अमीबायसिस होती है, जिससे कि पेट में दर्द होता है, लूज स्टूल्स हो सकते हैं, या मरोड़ उठती है पेट में बहुत तेज और आंव जैसा निकलता है स्टूल्स के साथ, म्यूकस जैसा। तो इसका इलाज फिर दवाइयों से करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बीमारियां जो है वो प्रोटीन प्रियोन जिसको कहा जाता है, पानी से फैलती है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक कर सकती है और उससे कुछ बीमारियां उत्पन्न होती है जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। हमने अपनी पृथ्वी पे उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करा है, और भी बहुत तरह के केमिकल्स, खासतौर पे फैक्ट्रीज, उनसे केमिकल्स जो है निकलते हैं, जैसे लेड, सीसा जिसको कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह है, इस तरह की स्पेसिफिक चीजें भी, वो भी पानी के अंदर जाती है, नदियों में, तालाबों में। इन केमिकल्स की वजह से भी जहरीला सा असर होता है, विषाक्त हो जाता है पानी। यदि हम ऐसा पानी प्रयोग में ला रहे हैं जो कि साफ नहीं करा गया है, उसमें पॉइजनस सब्सटेंस या जहरीला सामान चला जाता है, इनका ध्यान ना रखा जाए और पानी को साफ ना करा जाए, तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और इनसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिनका इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कई तो इसमें से जानलेवा हो सकती हैं। इन चीजों का भी दुष्प्रभाव पानी के द्वारा हमारे शरीर पे पड़ सकता है। धन्यवाद।